फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट वीक 9 क्लास 3 की। बच्चों मैं यहाँ बात कर रही हूँ। बच्चों टॉपिक है दिल्ली फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए, सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है मार्क राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग हमें यहाँ टिक करने हैं। वी कैन एंटर द जू विदाउट टिकट। बच्चों विदाउट टिकट हम एंटर कर सकते हैं जू में? नहीं, जू में एंट्री के लिए हमें टिकट की नीड होती है। चिल्ड्रन एंजॉय अ लॉट इन द जू। बच्चों चिल्ड्रन सभी इंजॉय करते हैं जू में, बिल्कुल सही। देयर आर मैनी ट्रीज एंड पॉन्ड्स इन द जू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इन द जू टाइगर्स एंड लेपर्ड्स रोम इन द ओपन। तो बच्चों जू में टाइगर्स और लेपर्ड्स ओपन में नहीं घूमते हैं, उनका एक पिंजरा सा बना होता है, वो उसी एरिया में घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, वेयर इज दिल्ली जू लोकेटेड, व्हाट एनिमल आर फाउंड इन द जू, राइट एनी 5 एनिमल्स। बच्चों जो हमारा दिल्ली का जो जू है वो कहाँ है आप सभी को पता है, जो हमारा मथुरा रोड है, नियर ओल्ड फोर्ट, वहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए हमारा आंसर। द दिल्ली जू इज लोकेटेड ऑन द मथुरा रोड नियर द ओल्ड फोर्ट, ठीक है। What animals are found in the zoo? तो यहाँ लिखेंगे different types of animals and birds are found in the zoo like lions, leopard, tigers, crocodile, giraffe, bear, etc. ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। हमें जो जू है उसमें इसी तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, सभी को अच्छे से समझ में आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू सू समवन हैज़ हरेशिंग एनिमल इन द जू, राइट इन ब्रीफ। बच्चों अगर कोई परेशान कर रहा है जू में एनिमल्स को, तो आप क्या करेंगे? हम उनको बोलेंगे कि अच्छी बात नहीं है, वो अगर गुस्सा हो गए तो वो हम पे गुस्सा निकालेंगे, ठीक है। तो किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे वी शुड नॉट हैरश एनिमल बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट दे कैन गेट एंग्री बाय बींग हैरेस्ड एंड कैन अटैक्ड, सो दे कैन हार्म एवरीवन, ठीक है। आया सभी को समझ में? तो इसलिए बच्चों हमें इनको हार्म नहीं करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल केयरफुली, विच एनिमल इज़ नॉट कैप्ट इन द जू। तो देखिए बच्चों, पिक्चर को सभी ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन से एनिमल को जू में नहीं रखा जाता है। तो बच्चों ये आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, एलिफेंट भी आप सभी ने देखा होगा, जिराफ भी देखा होगा। बच्चों डॉग हमारा डोमेस्टिक एनिमल होता है, इसे हम घर में रखते हैं, तो इसे हम जू में नहीं देखते हैं। हमारा आंसर होगा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी कैट्स आर देयर इन द पिक्चर गिवन बिलो, काउंट एंड राइट। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको कितनी कैट देखने को मिल रही है। तो देखिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल बच्चों यहाँ पे 5 कैट्स हमने देखी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों लाइफ स्किल, मेल न्यूट्रिशन एंड बैलेंस्ड डाइट। अ बैलेंस्ड डाइट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर बॉडी। तो बच्चों जो बैलेंस्ड डाइट होती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को बनाने में बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो बच्चों यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू ईट इन योर मील। तो बच्चों आप सभी अपने मील में क्या खाते हैं, तो यहाँ आंसर लिखेंगे, आई ईट न्यूट्रिशियस थिंग्स लाइक रोटी, पल्सेस, राइस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों संस्कार शाला, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट लेट प्रॉब्लम्स डिफीट आर सेल्फ। बच्चों हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है, और कभी भी बच्चों प्रॉब्लम्स को हमें हमारे इतना हावी नहीं होना देना चाहिए कि वो हमें हरा दे। फूड एंड ड्रिंक, ईट फूड ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स चॉइस एंड ड्रिंक देयर चॉइस ऑफ बीवरेजेस। एक्टिविटी टूडे, ब्रदर एंड सिस्टर विल एक्सचेंज देयर हाउस होल्ड वर्क देन फाइंड आउट हुज वर्क इज सो डिफ़िकल्ट। तो देखिए बच्चों आप सभी को क्या करना है, आपको ब्रदर सिस्टर दोनों अपने वर्क एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, और बताना है कि किसका वर्क सबसे हार्ड है। गेम ऑल्टरनेट ऑन वन लेग देन बैलेंस ऑन द अदर लेग, दिस इंक्रीज कंसंट्रेशन। डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप सभी लाइक बटन दबाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।